गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल मेडिसिन में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग CBT 2 के लिए, RRB CBT 2 के लिए और साथ ही SSC JEE के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने आरसीसी के कुछ क्वेश्चंस देखे थे और उसी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। आज क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। द लोड फैक्टर फॉर लाइव लोड एंड डेड लोड आर, अच्छा देखिए, तो एक टेबल था, हम लोगों ने RCC में भी पढ़ा था। द लोड फैक्टर ऑफ फॉर लाइव लोड एंड डेड लोड आर, जो कॉम्बिनेशंस दिए हुए थे, लाइव लोड, डेड लोड, विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड, है ना। तो अगर मान लो कोई आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो उसमें आप उस लोकेशन में, उस पार्टिकुलर जोन में देख रहे हो कि कौन कौन सा लोड, जैसे डेड लोड और लाइव लोड तो आता ही है, ठीक है। और बहुत जगह ऐसा भी होता है, जैसे बहुत कुछ ऐसा भी आप बनाते हो स्ट्रक्चर जहाँ पर लाइव लोड नहीं आता है ना। जैसे कि आप वाटर टैंक ले लो, वहाँ पर कोई लाइव लोड नहीं आएगा, है ना। तो जितना वाटर जो उसमें रहता है, उसको हम लोग डेड लोड लेकर ही बनाते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि जैसे ये डेड लोड आया, लाइव लोड आया, है ना, और फिर उस जोन में अगर मान लो विंड तेज चलती है तो विंड लोड भी आएगा, ठीक है। अर्थक्वेक अगर ज़्यादा आता है, ठीक है ना, तो उसमें अर्थक्वेक लोड भी हम लोग कंसिडर करेंगे। तो अगर जो लोड कॉम्बिनेशंस बनते हैं इस तरह से, तो उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना, यानी कि लोड फैक्टर हम लोग क्या क्या लेंगे, ठीक है, लोड के लिए क्या क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे, वो कितना लेंगे वैल्यू, ठीक है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसी को हम लोग लोड फैक्टर के नाम से जानेंगे, है ना। तो लोड फैक्टर फॉर लाइव लोड एंड डेड लोड आर, तो लोड फैक्टर किसके लिए, जब लाइव लोड और डेड लोड पर्टिकुलरली हो और कोई लोड ना हो, उस केस में क्या होगा। तो ये है 1.5 एंड 1.5, ये आंसर है, आंसर बी। तो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं हम लोग कैसे, ठीक है। लोड फैक्टर्स और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर लोड अंडर वेरियस लोड कॉम्बिनेशन, नीचे नीचे देखते हैं टेबल में। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं फिर कहूँगा RCC के लेक्चर्स में हम लोगों ने ये भी पढ़ा है ना। तो ले देकर वही सब है, और जितना भी हम लोगों ने लेक्चर्स में पढ़ा है RCC में, सारा कुछ मतलब वो प्रीवियस ईयर्स में आपको मिल जाएंगे, वही सब आता है, ठीक है। तो लोड कॉम्बिनेशन देखो, अगर डेड लोड प्लस लाइव लोड रहे, है ना, सिर्फ डेड लोड और लाइव लोड आए स्ट्रक्चर में, या फिर डेड लोड प्लस विंड लोड आए, या फिर डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड आए, है ना। अगर बोलोगे आप अर्थक्वेक लोड क्यों नहीं है, तो अर्थक्वेक लोड और विंड लोड इन दोनों के लिए हम लोग एक ही वैल्यू कंसिडर करते हैं, कोई एक कंसिडर करते हैं जो कि वैल्यू बड़ा हो, है ना। क्योंकि सीधा सा बात है, मतलब अगर ऐसा तो नहीं है कि विंड लोड भी, विंड और अर्थक्वेक दोनों एक ही बार में आए, बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी बनती है कि विंड मैक्सिमम स्पीड में चले उसी टाइम जब अर्थक्वेक उसी टाइम आए, है ना। जब अर्थक्वेक आए उसी टाइम विंड मैक्सिमम स्पीड में चले, तो या तो अर्थक्वेक आता है या तो फिर विंड आता है ना। तो अगर हम लोग दोनों में से जिसका मैक्सिमम है वो ले लेंगे, तो दोनों का काम चल जाएगा, ठीक है। तो यही रीज़न है हम लोगों ने अर्थक्वेक लोड नहीं लिखा। यहाँ पर आप स्लैश अर्थक्वेक लोड भी कर सकते हो, यहाँ पर भी अर्थक्वेक लोड भी कर सकते हो, है ना, ऑब्लिक यानी कि विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, ठीक है। तो देखिए, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए, है ना, डेड लोड और लाइव लोड के केस में, यहाँ पर विंड लोड नहीं है ना। और सेकेंड वाले में क्या है, सेकेंड वाले में है अपना डेड लोड और विंड लोड, यहाँ पर लाइव लोड नहीं है, यहाँ पर इसके जगह में खाली है, ठीक है। और यहाँ पर तीनों, यानी कि तीनों कॉलम्स में भरे हुए हैं, ठीक है। और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में देखते हैं, तो डेड लोड प्लस लाइव लोड है, विंड लोड नहीं है, और यहाँ पर लाइव लोड नहीं है, और यहाँ पर तीनों है, ठीक है। तो अलग अलग केसेस में देखते हैं हम लोग क्या है। तो देखिए, डेड लोड और लाइव लोड का कम्बिनेशन रहे तो 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, है ना, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के केस में। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में 1.0, ठीक है। डेड लोड और लाइव, डेड लोड और विंड लोड रहे तो 1.5 और 0.9 लेते हैं। 0.10 के ऊपर स्टार लगा हुआ है, एस्ट्रिक मार्क्स लगा हुआ है, वो हम लोग देखेंगे क्यों लगा हुआ है, बाद में देखते हैं। तो डेड लोड के लिए कितना लेते हैं, 1.5 और 0.9, और विंड लोड के लिए लेते हैं हम लोग 1.5, ठीक है। अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन रहे तो 1.2, 1.2, 1.2। सिमिलरली लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए हम लोग कितना लेते हैं, 1 और 1, है ना, और थर्ड केस में 1, 0.8, 0.8। अब ये जो 0.9 था, ये किस केस में हम लोग लेते हैं, ये आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर
वैल्यू 0.9 इज कंसिडर्ड व्हेन स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग एंड स्ट्रेस रिवर्सल इज क्रिटिकल वेयर डेड लोड हेल्प्स इन स्टेबिलिटी। जैसे ग्रेविटी डैम, जैसे ग्रेविटी डैम हो गया, ठीक है। तो ग्रेविटी डैम में क्या होता है कि डेड लोड जो है, डेड लोड मतलब एक तरह से फ़ायदा पहुंचाती है अपने को, है ना। यानी कि अगर मान लो जैसे स्ट्रक्चर बहुत हैवी है, जैसे ग्रेविटी डैम है तो बहुत हैवी स्ट्रक्चर होती है एक तरह से देखा जाए तो, पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो, है ना। और उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि ओवर टर्निंग हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे रिटर्निंग वाल हम लोग छोटा मोटा बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो रिटर्निंग वाल अगर हम लोगों ने बनाया इस तरीके का कुछ, ठीक है, कुछ इस तरीके का रिटर्निंग वॉल बनाया हम लोगों ने, है ना, ठीक है। ये थोड़ा लंबा है, इधर हम लोगों ने मान लो सॉइल भरा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसा हो सकता है कभी कभी जब प्रेशर इस डायरेक्शन में ज़्यादा लग रहा हो तो ये टर्न कर सकता है, इसको हम लोग ओवर टर्निंग बोल सकते हैं। तो ग्रेविटी डैम में ये नहीं हो सकता है ना, क्योंकि बहुत बहुत हैवी स्ट्रक्चर रहता है। तो उस केस में जो डेड लोड है वो नीचे की ओर एक्ट करेगी ग्रेविटी डैम की, है ना, और एक तरह से अपने को फ़ायदा पहुंचाती है, यानी कि वो ओवर टर्निंग को रोकती है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग 0.9 लेंगे, है ना। तो 0.9 वैल्यू इज़ कंसिडर्ड व्हेन स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवर टर्निंग एंड स्ट्रेस रिवर्सल इज क्रिटिकल व्हेन डेड लोड हेल्प्स इन स्टेबिलिटी, एग्जाम्पल ग्रेविटी डैम। तो ये समझ गए होंगे आप लोग, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना ध्यान से, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बियरिंग आरसीसी वॉल शुड बी, लोड बियरिंग आरसीसी वॉल की मिनिमम थिकनेस कितनी होती है। तो 10 सेंटीमीटर आरसीसी है इसलिए 10 सेंटीमीटर याद रखना आप लोग, है ना। मिनिमम की बात हो रही है। तो मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बियरिंग वॉल इज 10 सेंटीमीटर। द क्राइटेरिया इज प्रोवाइडेड टू एंश्योर फायर रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। दिस क्राइटेरिया इज प्रोवाइडेड टू एंश्योर फायर रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। वॉल के लिए हो गया 10 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं फॉर स्लैब के लिए मिनिमम थिकनेस h इन सेंटीमीटर कितना हो जाएगा। सिंपली सपोर्टेड केस में, है ना, स्लैब की बात कर रहे हैं हम लोग, L/20 हो जाएगा, ठीक है। वन एंड कंटिन्यूस के केस में L/24, बोथ एंड कंटिन्यूस के केस में L/28 और कंटिलीवर के केस में L/10, ठीक है। इनके सबसे ज़्यादा थिकनेस कंटिलीवर के केस में होता है ना। किसकी थिकनेस निकाल रहे हैं हम लोग, स्लैब की, ठीक है। मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ठीक है। एल क्या है यहाँ पर, एल इफेक्टिव स्पान, है ना। तो ये भी क्वेश्चन इजी है, ये आप लोग याद करना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। L/20 सिंपली सपोर्टेड में, वन इंड कंटिन्यूस में L/24, बोथ एंड कंटिन्यूस में 1/28, ठीक है, L/28 सॉरी, और सब में 4-4 का गैप है ना, और कैंटिलीवर केस में बस L/10 है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज मेजर्ड एट 28 डेज, कोई भी बता देगा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसमें। द क्वांटम ऑफ इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ विद एज डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड, टाइप ऑफ सीमेंट, क्योरिंग एंड एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। यानी कि किस तरीके से, मतलब किस रेट से इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर का जो हम लोगों ने बनाया है, वो किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड पे, कौन सा ग्रेड का कंक्रीट यूज़ किया है हम लोगों ने, है ना, किस टाइप का सीमेंट है उस पे, कैसा हम लोग क्योर कर रहे हैं उसको, क्योरिंग यानी कि पानी हम लोग कैसे दे रहे हैं, ठीक है ना, उस पे, और इन्वायरमेंटल कंडीशन पे, ठीक है। दूसरा क्या है, एज पर IS 456 द डिज़ाइन शुड बी बेस्ड ऑन 28 डेज करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट ऑफ 150 mm³, ठीक है। तो इसमें कोई शक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। द मिनिमम ग्रेड ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट इन सी वाटर एज पर IS 456 2000 इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रिइंफोर्स्ड कंक्रीट इन सी वाटर, है ना। सी वाटर के लिए मिनिमम ग्रेड कितना होना चाहिए, M30, ये आप लोग रट लो बिल्कुल, है ना, M30 होना चाहिए सी वाटर के लिए मिनिमम ग्रेड, ठीक है। तो कंक्रीट इन सी वाटर और एक्सपोज्ड डायरेक्टली अलोंग सी कोस्ट, है ना, सी कोस्ट के किनारे जो भी हम लोग अगर घर बना रहे हैं या कुछ भी, तो उस जगह में कंक्रीट कितना मिनिमम देंगे हम लोग। तो कंक्रीट इन सी वाटर और एक्सपोज डायरेक्टली अलोंग द सी कोस्ट सेल बी एट लीस्ट M20 ग्रेड ऑफ PCC, PCC के लिए M20 देंगे, है ना, और RCC के लिए M30, यानी कि रेनफोर्समेंट का अगर यूज़ होगा तो हम लोग और ग्रेड इसका 10 बढ़ा देंगे, यानी कि M30 देंगे RCC के लिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं हम लोग। द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशियंट फॉर कॉन्क्रीट। हाँ देखो, कॉन्क्रीट के लिए जो है अल्टीमेट क्रीप कोफिशियंट की वैल्यू जो है टाइम के साथ बढ़ती है या घटती है। अब मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको, ये कॉन्क्रीट है, ये है कॉन्क्रीट के स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है लोड, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोड, ठीक है, आ रहा है। तो ये आप लोगों ने बनाया, और चलो मान लो इसको, इसके ऊपर हम लोगों ने 1 महीने के अंदर लोड रख दिया बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा क्रीप आएगा, ठीक है, थोड़ा सा क्रीप आएगा, है ना, और थोड़ा लोड बढ़ा या फिर नहीं बढ़ा, ठीक है, इससे मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं है। लेकिन टाइम के टाइम जैसे ही बढ़ेगा, जैसे 6 महीने, 5-6 महीने में और थोड़ा ये क्रीप इसमें और थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, है ना, और साल भर में थोड़ा और बढ़ा, और बढ़ा दिखेगा मुझे, ठीक है ना, हम लोगों को थोड़ा और बढ़ा हुआ दिखेगा क्रीप, ठीक है। तो जो क्रीप बढ़ता है वो अर्ली स्टेज में ज़्यादा बढ़ता है, क्यों, क्योंकि ये कंक्रीट अभी अभी बना है ना, ये कंक्रीट ज़्यादा दिन का है नहीं, तो मतलब ये पूरी तरह से अपने स्ट्रेंथ को, जितना स्ट्रेंथ गेन करने का है 100% जितना भी हो, ठीक है ना, तो वो पूरी तरह से स्ट्रेंथ इसने गेन नहीं किया है ना, अभी कुछ परसेंट बाकी ही है इसको स्ट्रेंथ गेन करने में। और उसी 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 टाइम में हम लोगों ने क्या कर दिया, इसमें लोड दे दिया, तो जाहिर सी बात है वो स्ट्रेंथ उतनी स्ट्रेंथ में नहीं था जितना हम लोगों ने कंसिडर करके बनाया था, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने लोड दे दिया, तो जाहिर सी बात है क्रीप ज़्यादा होगी, है ना। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे क्या होगा, स्ट्रेंथ इसका भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, स्ट्रेंथ ये गेन करता जाएगा, और उसके बाद क्रीप धीरे धीरे कम होने लगेगा, यानी कि टाइम के साथ क्या होता है, क्रीप जो अल्टीमेट क्रीप कोफिशियंट है वो डिक्रीज करता है ना, यानी कि इसका इसका आंसर क्या हो गया अपना, डिक्रीज विद द एज ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशियंट फॉर कॉन्क्रीट डिक्रीजेज विद द एज ऑफ लोडिंग, ठीक है, बी हो जाएगा अपना आंसर। क्रीप कोफिशियंट इज इक्वल टू क्या होता है, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेंथ बाई इलास्टिक स्ट्रेंथ एट एज ऑफ लोडिंग, ठीक है। वैल्यू ऑफ क्रीप कोफिशियंट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये भी आता है जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो क्रीप कोफिशियंट का वैल्यू भी दिया हुआ है, 7 डेज में 2.2 लेते हैं हम लोग, 28 डेज में 1 लेते हैं, और 1 ईयर के बाद 28 डेज में 1.6 है ना, 28 डेज में हम लोग 1.6 लेते हैं और 1 ईयर में 1.1 लेते हैं, तो ये क्रीप कोफिशियंट जो है ये डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, 7 डेज में 2.2, 28 डेज के लिए 1.6 और 1 ईयर के लिए 1.1, और इससे पहले जो टेबल हम लोगों ने देखा था उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये है मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बियरिंग वॉल इज 10 सेंटीमीटर, दिस क्राइटेरिया इज प्रोवाइडेड टू एंश्योर फायर रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। स्लैब के लिए कितना था मिनिमम थिकनेस, L/20, L/24 और L/28, ये तीनों था, चार चार के डिफरेंस में, सिंपली सपोर्टेड के लिए 1 एंड कंटिन्यूस के लिए और बोथ एंड कंटिन्यूस के लिए, और कैंटिलीवर के लिए L/10, ये तो पता ही अपने को, है ना। और साथ में हम लोग अभी ये देखा एक टेबल जिसमें क्या था, आगे बढ़ गए क्या, 7 डेज के लिए 2.2 और 28 डेज के लिए 1.6 और 1 ईयर के लिए 1.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर कंक्रीट एंड स्टील रिस्पेक्टिवली में भी टेकन है, हम लोगों ने ये पढ़ा है, ये हो जाएगा आंसर बी, यानी कि 1.5 कंक्रीट के लिए, सॉरी बी नहीं होगा, ये 1.5 हो जाएगा और 1.15 होगा किस में है, अच्छा ए में है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कॉन्क्रीट इज 1.5 एंड फॉर स्टील इज 1.15, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है कुछ देर पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है ना, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं ताकि अपने को कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड मोड में भी मिल जाए और कुछ क्वेश्चंस को देखकर हम लोग आने वाले क्वेश्चंस को कर पाएँ, क्योंकि हम लोग जो अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं हर एक टॉपिक से, जो टॉपिक हम लोगों को मिल रहा है उस टॉपिक से हर कुछ टच कर ले रहे हैं, यानी कि जाहिर सी बात है और नए टॉपिक तो पैदा करेगा नहीं, है ना। सिविल इंजीनियरिंग में जितने टॉपिक्स हैं और सारे से क्वेश्चन आ भी चुके हैं, तो हम लोग अगर ये अच्छे से कर लेंगे तो बहुत हद तक फायदा पहुँचेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन -10% टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल, कितना परसेंट फेल, किससे कितना परसेंट से ज़्यादा फेल नहीं करता, 5% से ज़्यादा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, एडिशनल कवर थिकनेस इन रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट मेंबर्स टोटली इमर्ज्ड इन सी वाटर, कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था
ठीक है, पिछले लेक्चर में टोटली इमर्स्ड इन सी वाटर, शायद यही पढ़ा था क्या? हाँ यही पढ़ा था, इमर्स्ड इन सी वाटर है ना। तो इमर्स्ड इन सी वाटर के लिए हम लोगों ने जो टेबल देखा था उसमें 45 mm था, है ना। जब सी वाटर में कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर इमर्ज रहता है उस केस में हम लोग कवर कितना लेते हैं, 45 mm लेते हैं। अगर हम लोग चाहें तो ऊपर जाकर देख सकते हैं, वो टेबल मैं आपको दिखा दूँ, RCC के लेक्चर में पूरा मिल जाएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए तो दिस इज़ द टेबल आई एम टॉकिंग अबाउट, या दिस इज़ द टेबल। तो इमर्ज इन सी वाटर के केस में नॉमिनल कवर जो 45 लेते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो माइल्ड कंडीशन नॉर्मल कंडीशन है उससे कितना ज़्यादा लेते हैं, 20-25 ज़्यादा है, तो यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना, कितना ज़्यादा लेते हैं, तो यही अपने को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इसमें, है ना। तो ये रहा एडिशनल कवर थिकनेस, एडिशनल ठीक है, इन रिन्फोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट मेंबर्स टोटली इमर्ज इन सी वाटर इज 25 mm, ठीक है, तो एडिशनल इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज टेकन एज, एक्चुअल स्ट्रक्चर में कितना लेते हैं हम लोग, 0.67 FC, है ना, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इन एक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्योंकि देखिए जो नॉर्मल था FCK, है ना, FCK को हम लोगों ने 1.5 से डिवाइड किया और इसको 0.67 FCK को FCK पर हम लोगों ने लाया, है ना। ये क्यों किया, क्योंकि हम लोग FCK तब यूज करते हैं जब हम लोग लैब में कोई चीज़ बनाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम लोगों ने लैब में कोई भी कंक्रीट ग्रेड का क्यूब बनाया, तो उस टाइम कंडीशन क्या थे, कंडीशन हमारे मतलब हमारे साथ में थे, है ना। जैसे मतलब हम लोग जिस टाइप से उसको चाहे, हम लोगों ने उसको उसको ढाला, हम लोगों ने उसको कंक्रीटिंग को अच्छे से मिक्स किया, क्योंकि क्वांटिटी जो थी बहुत कम थी, है ना, अच्छे से क्योरिंग किया, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने अंदर बनाया, ठीक है ना, मतलब बहुत अच्छे से बनाया, बहुत कम क्वांटिटी था कंक्रीट का, क्यूब को अच्छे से बनाया, इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पर FCK लिया था। लेकिन अगर हम लोग फील्ड पे आते हैं, जब फील्ड पे वर्क करते हैं, तो उस टाइम कंडीशन सेम नहीं रहते हैं ना, वेदर कंडीशन अलग रहते हैं, ठीक है, साथ में मटेरियल बहुत ज़्यादा रहता है क्वांटिटी, तो क्वालिटी का भी अपने को उतना पता नहीं रहता है ना, उतना मतलब कन्फर्म नहीं रहते हम लोग कि हाँ भाई ये पूरा क्वालिटी। अगर मान लो एक ट्रक आपके पास ये आ रहा है, ठीक है ना, सेंड आ रहा है, तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा चेक करके देखोगे कि है ना पूरे सेंड का साइज़ क्या है, पूरे एग्रीगेट का साइज़ क्या है, तो इसीलिए हम लोग क्वालिटी में एश्योरेंस नहीं रहते हैं, एश्योरेंस नहीं रहते हैं। दूसरी बात यह है कि सीमेंट आप हर बोरी को तो चेक नहीं करोगे, सीमेंट के सारे सारे 50 kg के जो पैकेट्स आते हैं कि भाई ये सीमेंट कैसा है, ये सीमेंट कैसा है ना, मतलब कुछ चेक चेक होते हैं और कुछ ख़राब भी होते हैं, तो वो हम लोगों को देना पड़ता है, क्योंकि अपने को पता ही नहीं रहता कि ये ख़राब है ना, पूरा बहुत ज़्यादा पुराना भी है तो, ठीक है। तो इसीलिए होता क्या है कि हम लोग फील्ड के केस में फिर 1.5 से इसको डिवाइड कर देते हैं FCK को, यानी कि 0.67 FCK लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर, इसलिए एक्चुअल स्ट्रक्चर बोला गया है, वर्ड यूज़ किया गया है। तो द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज टेकन एज 0.67 FCK, ये हो गया आंसर अपना, ठीक है ना। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए एज पर IS 456/2000 क्लाउज नंबर 38.1C फॉर द डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सुरल मेंबर्स द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज टेकन एज 0.67 FCK। दिस इज टू अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट इन एक्चुअल स्ट्रक्चर साइज ऑफ कॉन्क्रीट मेंबर है ना मे बी मोर देन द क्यूब साइज टेस्टेड इन लेबोरेटरी। लार्जर साइज लीड्स टू द मोर वेरिएबिलिटी इन स्ट्रेंथ, हेंस द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट विल बी लेसर लेसर देन द क्यूब स्ट्रेंथ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अप्लाइड ऑन 0.67 FCK। देखिए यहाँ पर भी ये बोला गया है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मतलब फील्ड में हम लोग ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी से इसको क्या कर डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर ये भी एक बात है कि हाँ अगर हम लोग वहाँ पर क्या बनाते हैं, वहाँ पर हम लोग लैब में जो है, ठीक है ना, हम लोग क्यूब बनाते हैं, ठीक है ना, और क्यूब को हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है ना, UTM मशीन में 150 mm का क्यूब बनाते हैं, ठीक है, और उसको टेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ जो फील्ड में जो है अपना स्ट्रक्चर, कॉलम बनाएंगे हम लोग, बीम बनाएंगे, स्लैब बनाएंगे, ठीक है ना, रिटेनिंग वॉल बनाएंगे, ठीक है ना, तो कुछ भी बनाते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर साइज भी चेंज हो गया, इसीलिए हम लोग वहाँ पर इसको 1.5 से डिवाइड करके 0.67 FCK तक लाते हैं, ठीक है, ये सब याद रखना हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। फॉर RCC कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ
कोर्स एग्रीगेट इज़ लिमिटेड टू, आरसीसी कंस्ट्रक्शन के लिए मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना होता है। कोर्स एग्रीगेट यानी कि जिसको आप लोग वो आप लोग नॉर्मली गिट्टी भी बोल सकते हो, है ना, लोकली जो यूज लैंग्वेज है। तो कोर्स एग्रीगेट की बात हो रही है यहाँ पर, तो मैक्सिमम साइज़ कितनी हो सकती है कोर्स एग्रीगेट की, किस केस में, आरसीसी कंस्ट्रक्शन के केस में, ठीक है। 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, तो ये आंसर है इसका 20 mm सी, ठीक है। 20 mm आंसर है, कोर्स आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो एच पर 456 एक्सपेंशन देखते हैं, एच पर 456 2000, ठीक है, IS 456 2000 के हिसाब से जो क्लाउज नंबर 5.3.3 से अपने को मिलता है, मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1/4 ऑफ थिकनेस ऑफ मेम्बर, है ना। ये थिकनेस ऑफ मेम्बर जितना भी रहे, ठीक है ना, थिकनेस मान लो 10 है, ठीक है ना, 10 है, ठीक है ना, 10 10 सेंटीमीटर है अपना थिकनेस, यानी कि 100 mm, है ना, 100 mm थिकनेस है, ठीक है। तो 1/4 कितना हो गया, 25 mm, है ना। तो मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25 mm। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1/4 ऑफ थिकनेस ऑफ मेम्बर, यानी कि 25 mm से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना, आगे देखते हैं। फॉर मोस्ट वर्क, है ना, ज़्यादातर वर्क के लिए 20 mm साइज इज सुइटेबल, बट देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लो, है ना, बट वेयर देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कॉन्क्रीट इन सेक्शन, लार्जर साइज में भी परमिटेड, है ना। तो यहाँ पर सीधा सा बात है, हम लोगों ने एग्रीगेट के साइज को चेक किया कि 20 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये क्यों हम लोगों ने चेक किया, क्योंकि इसमें ये बात आती है कि कंपैक्शन में, ठीक है ना, कंपैक्शन में या फिर कंक्रीटिंग में अपने को, या फिर जब हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं तो कंक्रीट फ्लो करके मतलब हर जगह तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, अगर ज़्यादा एग्रीगेट साइज हम लोग बढ़ा देंगे तो, ठीक है, तो कुछ गैप्स रह जाएंगे, बीच में वॉइड्स रह जाएंगे। तो उस कंडीशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एग्रीगेट के साइज़ को लिमिटेड रखते हैं, 20 mm तक रखते हैं। लेकिन जहाँ पर स्ट्रक्चर बड़ा है, जहाँ पर मान लो सिंपल साइज, मान लो क्यूब के स्ट्रक्चर का ही मान लो फॉर्म कर रहे हो, है ना, क्यूब का स्ट्रक्चर बना रहे हो बहुत बड़ा सा, है ना, एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर तो कंपैक्शन का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उस केस में आप जैसे उस टाइप के केसेस में क्या कर सकते हो, आप एग्रीगेट साइज बढ़ा सकते हो, रिटर्निंग वॉल बना रहे हो आप लोग वहाँ पर बढ़ा सकते हो, ठीक है, यानी कि नॉर्मली स्लैब हो गया, बीम हो गया, इन सब में आप ये सब चीज़ का खास करके ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इसमें आंसर अपना 20 हो जाएगा, 20 mm। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, जो आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और साथ में ही वीडियोस को शेयर किया कीजिए, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ़ायदा तो आपको पहुंचेगा इससे, सीधा सा बात है, और शेयर करेंगे तो दोस्तों को भी पता चलेगा आपके, और साथ में मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई चलो ठीक है, किसी को हेल्प हो रही है तो मैं और थोड़ा इसमें इन्वॉल्व होऊंगा, है ना। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे, और प्लीज़ कमेंट करके बताया कीजिए अगर कुछ कमी लगे, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कोई कोई चीज़ में सुधार हो, ठीक है, उसमें, और मैं ऐसे लेक्चर्स लेता लाता रहूँगा दूसरे सब्जेक्ट्स के भी, ठीक है। हम लोग ट्राई करेंगे कि इन 10-15 दिनों में जितना जल्दी हम लोग जितना कुछ कर सकें कर लें, ताकि अपने को फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।